हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फेंस। ठीक है, आज हम टाइप्स ऑफ फेंस पढ़ेंगे और जनरली ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूछा जाता है ये। इसके बाद जो टॉपिक मैं कवर करूंगी वो होगा आपका स्केल्स इन फिशेस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि फिन्स जो हैं थिन होते हैं, ब्रॉड फोल्ड्स होते हैं इंटेग्यूमेंट्स के इंटरनली। ठीक है, जिनको कौन सपोर्ट करता है, जो फिन रेज होती हैं, फिन्स को फिन रेज सपोर्ट करती हैं, और वो बोनी भी हो सकती हैं, कार्टिलेजिनस भी हो सकती हैं, फाइब्रस भी हो सकती है, और हॉर्नी भी हो सकती है। ये टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए थे पैरेंटल गियर इन फिशेज में। तो अब हम पढ़ेंगे कि यूजेस क्या होते हैं फिन्स के। ठीक है, तो फिन्स जनरली फिशेस जो हैं स्विमिंग के लिए यूज करती है। और दूसरा क्या है कि फिन्स प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में, जिसकी वजह से वो बॉडी को बैलेंस करके भी रखती है। अब क्या है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, वही चीज हो गई, बैलेंस करते हैं। अब क्या चीज है कि हेल्प इन आइडेंटिफाई द फिश स्पीशीज। हम जो फिन्स हैं उसके थ्रू फिश की स्पीशीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज ये है। उसके बाद क्या है, लंग फिशेज में क्या होता है कि जनरली अब क्या है कि डिफरेंट फिशेज डिफरेंट टाइप्स के फिन्स को अलग अलग पर्पस के लिए यूज करेगी। जैसे कि लंग फिश में क्या होता है कि जो फिन्स है उनको लेग्स की तरह यूज किया जाता है फॉर वॉकिंग। ठीक है, वैसे ही अगर फ्लाइंग फिश की बात करें तो वहां पे ग्लाइडिंग के लिए, मतलब हल्का सा लिटिल बिट थोड़ा सरफेस से ऊपर जाने के लिए वो फ्लाइंग फिश जो है वो फिन्स को यूज करती हैं फॉर पर्पस ऑफ ग्लाइडिंग। ठीक है, तो ये है डायग्राम, आप इसे देख लीजिए। तो क्या चीज है कि सबसे पहले यहां पे आप ये देख सकते हैं फिश बनी है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फिन्स है। ये आपका डॉर्सल पार्ट है, ये आपका नीचे वाला लोअर पार्ट वेंट्रल है। यहाँ पे फर्स्ट डॉर्सल फिन ये है, दूसरी डॉर्सल फिन ये है। ठीक है, अब ये चीज है। उसके बाद है कैडवल फिन, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, फिनलेट्स प्रेजेंट है, ये पेक्टोरल फिन है, ये आपका पेल्विक फिन है, ये आपका एनल फिन है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के फिन्स प्रेजेंट हैं। अब क्या चीज है कि काइंड्स ऑफ फिन्स। तो सबसे पहले क्या है कि फिन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, मीडियन फिन्स होते हैं और लेटरल फिन्स होते हैं। मीडियन फिन्स अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, ये सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है। लेटरल फिन्स जो है ये पेयर्ड हैं, पेयर्ड मतलब वहां पे दो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पेयर होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मीडियन फिन्स में थ्री टाइप के फिन्स आते हैं, डॉर्सल, कैडवल एंड एनल। और अगर हम लेटरल फिन्स की बात करें तो पेक्टोरल और पेल्विक। अब हम बात करेंगे अनपेयर्ड मीडियन फिन्स। तो सबसे पहले अनपेयर्ड में आते हैं हमारा डॉर्सल फिन। तो डॉर्सल फिन जनरली जो फिश है फिश की टॉप पे या बैक पे लोकेटेड रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप पे लोकेटेड है। हेल्प इन क्विक स्टॉप और टर्न। ठीक है, उसके बाद है कि डॉर्सल फिन थ्री टाइप के होते हैं, प्रॉक्सिमल फिन्स, सेंट्रल फिन्स एंड डिस्टल्ड फिन्स। पर कुछ कुछ फिशेज में क्या होता है कि दो ही टाइप के फिन्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि दो डॉर्सल फिन्स आपस में क्या कर लेते हैं, आपस में कंबाइन कर लेते हैं। और वो कौन से होते हैं? सेंट्रल और डिस्टल्ड फिन्स। मैं आपको यहां पे बताती हूं। जैसे ये आपका मान लो प्रॉक्सिमल फिन है, ये आपका मिडल फिन है और ये आपका डिस्टल फिन है। तो आपको प्रॉक्सिमल फिन तो दिखेगा। अब क्या चीज है कि जो ये मिडल फिन होगा और जो आपका डिस्टल फिन होगा ये आपस में फ्यूज करके एक ही फिन बना देंगे। तो ये इसको हमने सेकंड फिन कह दिया, इसको हमने फर्स्ट डॉर्सल फिन कह दिया। ठीक है, अब डॉर्सल फिन भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका सिंगल भी हो सकता है, पॉइंटेड हो सकता है, स्पिन ट्रायंगुलर स्पाइन, सॉरी स्पाइन ट्रायंगुलर शेप का, स्पाइन मतलब कांटे होते हैं ना, कांटेदार हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप का होगा वो। दूसरा जो हमारा टाइप है फिन्स का वो है एनल फिन्स। तो एनल फिन्स को हम क्लोएकल फिन्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लोएकल फिन्स भी कहते हैं। जनरली जो एनल फिन है वो वहीं पर प्रेजेंट होगा जहां पे एनस है। तो एनस जो है वो फिश की वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये क्या है, वेंट्रल साइड में ही एनल फिन होगा, जस्ट बिहाइंड द एनस। बिहाइंड मतलब पीछे, एनस के पीछे प्रेजेंट होगा। जैसे मान लीजिए यहां पे कहीं पर एनस है, यहां पे एनल फिन प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज है। ये क्या करेगा, डॉर्सल फिन एनल फिन को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये सॉरी सपोर्ट द डॉर्सल फिन, एनल फिन जो है वो डॉर्सल फिन को सपोर्ट करेगा और स्टेबलाइज करेगा द फिश ड्यूरिंग स्विमिंग। मतलब अगर दोनों ही साइड से फिन्स है तो एक सपोर्ट मिलेगा, तो दोनों ही फिन सपोर्टेड रहेंगे, तो जिससे क्या होगा कि बॉडी फिश की बैलेंस रहेगी
और स्विमिंग के टाइम पे स्टेबलाइज रहेगी, बैलेंस रहेगी, ठीक है। उसके बाद आता है कैडवल फिन्स। तो कैडवल फिन जनरली क्या है कि फिशेज लोकोमोशन के लिए यूज करते हैं। आपको कैडवल फिन मैं दिखा दूं, ये है कैडवल फिन, ये पूरा कैडवल फिन है। ये जनरली इसको हम टेल फिन भी कहते हैं। टेल फिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉडी के एंड पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कैडवल फिन कहते हैं, और टेल फिन भी कह सकते हैं हम इसको। टेल फिन एंड यूजुअली होमोसेरिकल और हेट्रोसेरिकल, ये टर्म्स मैंने आगे डिस्कस किए हैं, वहां पे इसे हम थोड़ा डीप पढ़ेंगे। लोकेटेड एट कैडवल एंड ऑफ द बॉडी, इसमें स्ट्रांग स्विमिंग मसल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? स्ट्रांग स्विमिंग मसल्स होते हैं और स्विमिंग में मेनली बहुत हेल्प करते हैं। जो कैडवल फिन्स का शेप है वो वेरी करता है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं इन डिफरेंट स्पीशीज, ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई फिश स्पीशीज। फिश की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो डिफरेंट टाइप के शेप्स के होते हैं कैडवल फिन्स, ठीक है। डिफरेंट शेप्स आर देयर, जैसे कि एमर्जिनेट हो गया, आपका पॉइंटेड हो गए, हाइपोसीरियल हो गया, फॉग्ड हो गया और राउंडेड, ठीक है। अब क्या है कि जो कैडवल फिन्स होते हैं वो थ्री कैटेगरीज में ग्रुप्ड होते हैं। पहला है प्रोटोसेरिकल कैडवल फिन्स, हेट्रोसेरिकल कैडवल फिन्स एंड होमोसेरिकल कैडवल फिन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटोसेरिकल कैडवल फिन्स। तो ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के फिन्स होते हैं और जनरली जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो दोनों ही इक्वल लोब्स में आपका डिवाइडेड रहता है, और अपर लोब को हम एपिकॉड्रल लोब बोलते हैं और लोअर लोब को हम हाइपोकॉड्रल लोब कहते हैं। अब क्या होता है कि जब डेवलपमेंटल पीरियड होता है तो उस टाइम पे जो कैडवल फिन है, जितनी भी फिशेज होती हैं उनमें जो आपका कैडवल फिन होता है वो जो है आपका पेक्टोसीरियल, जो प्रोटोसेरिकल जो स्टेज है उससे पास होता है, ठीक है। और जनरली इट इज फाउंड इन साइक्लोस्टोम्स एंड द लिविंग लंग फिशेस। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है और वो इक्वल, दोनों ही इक्वल लोब्स में डिवाइडेड है। और यहाँ पे कौन से टाइप का, कौन से शेप का कैडवल फिन है? पॉइंटेड वाला, ठीक है। ये नोटोकॉर्ड है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम ये है। अब है कि हेट्रोसेरिकल कैडवल फिन्स क्या होते हैं। हेट्रोसेरिकल कैडवल फिन्स जनरली जो शार्क की जो टेल होती है, आपने शार्क देखी होगी, तो जो टेल होती है शार्क की सेम वैसी ही होता है हमारा हेट्रोसेरिकल कैडवल फिन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे एक शार्क की आपकी स्क्रीन पे पिक्चर है, तो यहाँ पे आप इसका कैडवल फिन देख सकते हो। इसकी एंड पे आप देख सकते हो एक बड़ा है एक छोटा है। तो सिमिलरली क्या होता है कि यहाँ पे भी जो अपर लोब होता है वो स्मॉल होता है, उसको हम एपिकॉड्रल बोलते हैं, और लोअर वाला क्या होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है, उसको हम हाइपोकॉड्रल कहते हैं। अब क्या है कि जनरली देखिए ये वर्टिब्रल एक्सिस है, एक बड़ा है एक छोटा है। अब क्या है कि जनरली ये आपको इलास्मो ब्रांच जो है उनमें मिल जाती है। इलास्मो ब्रांच मतलब जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, और कुछ प्रिमिटिव टाइप की बोनी फिशेज होती हैं उसमें भी आपको हेट्रोसेरिकल कैडवल फिन जो है मिलेगा। अब है हमारा होमोसेरिकल कैडवल फिन। तो होमोसेरिकल कैडवल फिन में क्या होता है कि मोस्टली ये हायर जो टीलियोसोट्स हैं उनमें होता है, ठीक है। सुपरफिशियली ये सिमेट्रिकल होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, ये इक्वल साइज के लोब्ड होते हैं, लोब्स होते हैं। यहाँ पे अपर वाले को हम एपिकॉड्रल बोलते हैं, लोअर वाले को हम हाइपोकॉड्रल लोब कहते हैं। इंटरनली तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इंटरनली इनकी सिमेट्री सेम नहीं होती, बट बाहर से ये आपको सेम दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, ये अंदर से तो एसिमेट्रिकल ही होंगे, बट यहाँ पर आपका ये डॉर्सल लोब हो गया, जो डॉर्सल ऊपर की तरफ को है, वेंट्रल वाला जो लोअर तरफ को है, बिल्कुल देखो दोनों सेम है और दोनों लोब्स बिल्कुल इक्वली सिमिलर साइज के हैं और शॉर्ट होते हैं ये। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो है पेयर्ड लेटरल फिन्स। तो पेयर्ड मतलब यहाँ पे एक पेयर प्रेजेंट होगा, मतलब कि अगर हम पेक्टोरल फिन्स की बात करें तो दो पेक्टोरल फिन्स होंगे, तभी तो वो एक पेयर हुआ। तो सबसे पहले हम पेक्टोरल फिन्स पढ़ेंगे। तो पेक्टोरल फिन्स जो हैं वो दोनों ही साइड प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही साइड जो हैं पेक्टोरल फिन्स प्रेजेंट होते हैं ओपरक्यूलम के, ठीक है। होमोलोगस होते हैं एज अ टेट्रापॉड्स, फोर लिम्स, जैसे फोर लिम्स होते हैं उनके पास। प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग स्विमिंग। अब क्या है कि दोनों ही तरफ हैं, डॉर्सल भी वेंट्रल भी, तो क्या चीज होगी कि
वो स्विमिंग के टाइम पे एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और ये क्या करते हैं, एक डायनामिक लिफ्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिससे कि फिशेस को हेल्प होती है टू टर्न लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये चीजें। अब है पेल्विक फिन्स। पेल्विक फिन में क्या होता है कि पेयर ऑफ पेल्विक फिन प्रेजेंट होता है वेंट्रली बिलो एंड बिहाइंड द पेक्टोरल फिन। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। देखो, पेल्विक फिन जस्ट पेक्टोरल फिन के नीचे पे पेल्विक फिन प्रेजेंट है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, यहाँ पे पेक्टोरल फिन है, इसके नीचे आपका पेल्विक फिन प्रेजेंट है। तो पेल्विक फिन प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में, लोअर सरफेस पे जो कॉड फिशेज होती हैं वहां पे क्या होता है कि जो पेल्विक फिन है वो पेक्टोरल फिन के आगे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद यह कि जनरली हेल्प इन स्टेबलाइजिंग एंड स्लोइंग डाउन ऑफ फिशेस। जनरली ये फिशेस को स्टेबलाइज करने में, बैलेंस करने में और फिशेस को स्लो डाउन करने में, जब वो मूव कर रहे हैं अगर उन्हें कहीं स्टॉप होना है तो सबसे पहले उनकी स्पीड कम होगी, वो स्लो डाउन होंगे, फिर वो स्टॉप होंगे, तो उसमें हेल्प करती है। फिशेस यूज पेल्विक फिन्स फॉर मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन द वॉटर। और पेल्विक फिन जनरली, हमने पहले भी बोला है कि फिन्स जनरली लोकोमोशन के लिए होता है, और फिशेस कैसे मूव करती है, चल के तो जाएंगी नहीं। कुछ कुछ फिशेज हैं जो फिन्स को फॉर जो है वॉकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, और वो है लंग्स। फिशेस मेनली स्विम करती हैं फिशेस। ठीक है, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए भी पेल्विक फिन्स का यूज होता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स का। तो इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगी उसका टॉपिक होगा स्केल्स इन फिशेस। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको अगर लगता है कि किसी जिसके भी ये और यूजफुल हो सकता है तो आप उन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू।